फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम इसका यूनिट 3 कर रहे हैं, दैट इज़ लैंडफॉर्म्स। और उस यूनिट 3 का जो पहला चैप्टर है वो है मिनरल्स एंड द रॉक्स। उसका हमने पार्ट 1 यानी कि लेक्चर 1 डिलीवर कर दिया है, जिसमें हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एलिमेंट्स और एलिमेंट्स से के कम्बाइन होने से बनते हैं सब्सटेंस, जिन्हें हम कहते हैं कंपाउंड्स, जिन्हीं को हमने बोला है मिनरल्स भी। तो एलिमेंट्स, मिनरल्स, देन मिनरल ग्रुप्स, ये सारा कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा दिया। फिर हमने आपको रॉक्स एंड मिनरल्स का रिलेशन समझाया, और फिर हमने आपको बताया कि रॉक की डेफिनेशन में जो टर्म्स यूज़ हुई हैं वो उनका मीनिंग क्या है, मिनरल की डेफिनेशन में जो टर्म्स यूज़ हुई हैं उनका मीनिंग क्या है। अब हम जब टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो आगे के सेगमेंट में जाके रॉक्स आएंगी, जिनकी 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। लेकिन उसके पहले अब हम मिनरल के सेक्शन को वाइंड अप करेंगे। मिनरल के सेक्शन में अब कुछ मेजर मिनरल्स हैं जिनके बारे में लिखा गया है किताब में। इसके बाद मिनरल्स की एक डिवीज़न पढ़ी जाएगी, वो है मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। और फिर हम पढ़ेंगे इन मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, मतलब ओवरऑल मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं अबाउट सम मेजर मिनरल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला जो मिनरल है दैट इज़ द फेल्डस्पर। इट इज़ फेल्डस्पर, FELDSPAR, फेल्डस्पर, ओके। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर कॉमन एलिमेंट इन फेल्डस्पर। हमने ये भी पढ़ा था कि अर्थ की क्रस्ट में सबसे एबंडेंट जो एलिमेंट है दैट इज़ ऑक्सीजन। ये अर्थ की क्रस्ट की बात है, वैसे आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ओवरऑल अर्थ जो है, टोटल अर्थ, उसमें सबसे एबंडेंट एलिमेंट आयरन है, ऑक्सीजन नहीं है, गलती मत कर देना। दैट इज़ 35% आयरन, 35% होता है। और फिर सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन, 30%, जब हम पूरी अर्थ की बात करते हैं। लेकिन हम जब सिंपली क्रस्ट की बात करते हैं तो सबसे डोमिनेंट ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है। ये चारों मिलकर के टॉप मोस्ट 4 एलिमेंट्स हैं अर्थ क्रस्ट के, पर टोटल अर्थ में आयरन डोमिनेट करता है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, तो हमने ये देखा था कल के लेक्चर में कि जो सिलिकेट मिनरल ग्रुप है, अर्थ की जितनी भी रॉक हैं उसमें से 95% रॉक उसी से बिलोंग करती है, और 90% ऑफ द क्रस्ट उसी से बिलोंग करती है। और सिलिकेट में डोमिनेंस है सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का। और उसके कुछ मेजर मिनरल्स हैं, जो मिनरल्स ही आज हमने बोर्ड पर लिखे भी हैं मेनली, और उनमें से एक मिनरल आता है फेल्डस्पर। तो फेल्डस्पर में फिर कौन डोमिनेट करेगा, कौन सा एलिमेंट डोमिनेट करेंगे? सिलिकॉन एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है, ऑक्सीजन एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है, ओके। तो फेल्डस्पर सबसे एबंडेंटली पाया जाने वाला मिनरल है, फेल्डस्पर सबसे एबंडेंटली पाया जाने वाला मिनरल है। फेल्डस्पर के बाद नंबर आता है क्वार्ट्ज का, आफ्टर द फेल्डस्पर वो सबसे ज़्यादा एबंडेंटली पाया जाता है। ये मिनरल की बात हो रही है, ओके। सो फेल्डस्पर में सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर कॉमन एलिमेंट्स इन फेल्डस्पर। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम एटसेट्रा आर फाउंड इन स्पेसिफिक फेल्डस्पर वेराइटी। कुछ वेराइटीज़ में ये भी पाए जाते हैं, पर सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन ही कॉमन एलिमेंट हैं इसके। हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज़ कम्पोज ऑफ फेल्डस्पर। तो अर्थ क्रस्ट का ऑलमोस्ट हाफ, 50% फेल्डस्पर से ही कम्पोज है। तो इसलिए मैंने ये बताया कि इट इज़ द मोस्ट डोमिनेटिंग मिनरल इन द अर्थ क्रस्ट, ओके, बिकॉज हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज़ कम्पोज ऑफ फेल्डस्पर। तो अगर अर्थ क्रस्ट में ये मिनरल डोमिनेंट है तो फिर मिनरल से ही रॉक बनती हैं, रॉक्स में भी फेल्डस्पर डोमिनेट करेगा ऑब्वियसली, ओके, इज़ दैट क्लियर? तो वही यहाँ पर लिखा है। सो हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज़ कम्पोज ऑफ फेल्डस्पर। इट हैज़ लाइट क्रीम टू सैल्मन पिंक कलर। हमने कल जब मिनरल्स की फ़ोटोज़ देखी थी तो हमने देखा था कि इसका कलर पिंकिश कलर में आता था। तो ये हल्का क्रीम रंग भी हो सकता है और ये सैल्मन पिंक कलर का भी होता है। इसके बारे में एक और बात है, ये वीक होता है, ये सॉफ्ट होता है, उतना हार्ड
नहीं होता, ये कमज़ोर मिनरल है, ये जल्दी विदर अवे हो जाता है, ये जल्दी टूट जाता है, इसका ब्रेकडाउन आसानी से होता है, तो इसलिए इसका इरोजन भी फास्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैंने आपको वैसे समझा दिया है। इसके यूजेज बहुत से हैं, जिनमें से एक मेन यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन सिरेमिक्स एंड ग्लास मेकिंग। तो जो भी आपके पास जैसे सिरेमिक्स होते हैं, बोन चाइना वगैरह के जो बर्तन आप देखते हो, उसमें जो वो शाइन होती है, ग्लेज होती है, जो उसकी लस्टर होती है, वो फेल्डस्पर से आती है। इसी तरह से ग्लास मेकिंग में भी ये यूज़ होता है। ओके, तो फेल्डस्पर लस्टर देने के काम आता है, शाइन देने के काम आता है, ग्लेज इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। जैसे जो पेंट है, पेंट में जो एक ग्लेज आनी है, इनेमल में जो शाइन आनी है, उन सब चीज़ों के लिए फेल्डस्पर का इस्तेमाल होता है। इतनी बात क्लियर? सो सेरामिक्स एंड ग्लास मेकिंग में फेल्डस्पर काफ़ी इस्तेमाल में आता है। सेरामिक्स में इसका खास काम और सेरामिक टाइल्स में इसका काम का खास काम विट्रियस लस्टर प्रोवाइड करना है, दैट शाइन प्रोवाइड करना है, ठीक है? ग्लेज का काम करता है ये, दैट इज़ अबाउट द फेल्डस्पर। क्लियर? फेल्डस्पर हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट को कवर कर रहा है, मतलब यही पाया जा रहा है। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन इसके कॉमन एलिमेंट हैं, इसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम, एलुमिनियम भी इसमें पाए जाते हैं। ये सेरामिक्स एंड ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ करता होता है, ये कमज़ोर होता है, वीक होता है, ये ससेप्टेबल टू इरोजन होता है, प्रोन होता है। ओके, सेकेंड वन इज़ द क्वार्ट्स। क्वार्ट्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट। तो अगर आप सैंड हाथ में लेंगे, तो कल हमने आपको क्वार्ट्स क्रिस्टल दिखाया था, आज भी हम आपको क्वार्ट्स क्रिस्टल दिखाते हैं। अगर आप वो क्वार्ट्स क्रिस्टल देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, फिर आपको जब सैंड हाथ में लेंगे आपको तो वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये क्वार्ट्स है। ओके, अब ये क्वार्ट्स है, अब आपने इसको इमेजिन कर लिया, अब आप दिमाग में एक बात रखिए, हो सकता है और भी कहीं क्वार्ट्स मिल जाए। हाँ, देखिए, दिस इज़ द क्वार्ट्स। ओके, अब आप देखिए, जब आप रेत को हाथ में लेते हैं तो उसमें भी आपको ऐसे चमकीले क्रिस्टल नज़र आते हैं ना, शीशे जैसे, ग्लास जैसे, वो क्वार्ट्स ही है। ओके, दैट इज़ द क्वार्ट्स। इतनी बात स्पष्ट हुई? तो इसीलिए कहा गया है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ सैंड। तो सैंड के एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट के तौर पे एग्जिस्ट करता है क्वार्ट्स। और क्वार्ट्स हमने कल के लेक्चर में ही देखा था, ग्रेनाइट का भी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। हमने देखा था ग्रेनाइट में फेल्डस्पर भी है, बायोटाइट यानी कि हॉर्नब्लेंड भी है, और हमने देखा था कि क्या है, क्वार्ट्स भी है। कल हमने आपको जब मिनरल्स दिखाए तो उसमें दिखाया गया था। तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रेनाइट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सैंड्स एज वेल। क्वार्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका, और सैंड में भी मेन एलिमेंट सिलिका रहता है, सिलिका सैंड हम कह के पुकारते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका, इट इज़ हार्ड मिनरल, वर्चुअली इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो ये बहुत ही हार्ड मिनरल माना जाता है, तो ये इसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग है फेल्डस्पर से। और कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो रॉक की कैरेक्टरिस्टिक है, रॉक का नेचर है, ये मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक और मिनरल के नेचर से ही डिसाइड होता है। कुछ रॉक्स, कुछ मिनरल्स हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, हार्ड हैं, नॉट वल्नरेबल टू इरोजन, मतलब उनकी रेजिस्टेंस हाई है। लेकिन कुछ मिनरल्स हैं जो वीक हैं, तो रॉक्स भी वीक हो जाती हैं। तो इसी तरह से अगर क्वार्ट्स की बात करेंगे तो क्वार्ट्स बहुत ही हार्ड है, जल्दी इसका इरोजन नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई? तो दैट इज़ द थिंग। सो इट इज़ अ हार्ड मिनरल, वर्चुअली इनसॉल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलता नहीं है ये। ओके, इट इज़ वाइट और कलरलेस। तो हमने अभी फ़ोटो देख ही ली, आपने देख लिया, या तो सफ़ेद रंगा होता है या कलरलेस होता है, जैसे शीशा होता है, शीशे जैसे। ओके, इट इज़ वाइट और कलरलेस एंड यूज्ड इन रेडियो एंड रडार। तो ये रेडियोज़ में, रडार में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे ढंग से
वोल्टेज को रिस्पॉन्स करता है, जब चार्ज इसे दिया जाता है तो ये एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजने में कामयाब मिनरल है। इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा वांटेड मिनरल है घड़ियों की कंपनियों के द्वारा। तो जो घड़ी बनाई जाती है उस घड़ी में ज़रूरी होता है कि ऑसिलेशन हो, ओके? तो ऐसे में ये जो क्वार्ट्स मिनरल उसमें लगा रहता है उसको चार्ज दिया जाता है, यानी कि वोल्टेज अप्लाई की जाती है, तो समवर्ट अराउंड 32,000 के अराउंड 32,000 पर सेकंड वाइब्रेशंस करता है क्वार्ट्स, पर सेकंड में 32,000 वाइब्रेशंस। तो उसकी वजह से फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है, ट्रांसमिट करता है, और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से जो घड़ी है, वॉच है, उसमें मूवमेंट आती है, कांटे घूमते हैं, बाकी सारे काम होता है उसका, ओके? तो इस वजह से ये बहुत ही हाई प्राइज्ड मिनरल है उन घड़ियों में, और क्योंकि इसका कोर रोल है तो उन घड़ियों को क्वार्ट्स कह देते हैं। तो घड़ियों की अपनी अपनी मूवमेंट होती है कि कोई कौन सी घड़ी कैसे मूवमेंट कर रही है। तो जब घड़ी आप दुकान पे ख़रीदेंगे तो आपको बताएंगे कि इसकी मूवमेंट क्वार्ट्स मूवमेंट है, इट्स अ क्वार्ट्स मूवमेंट, ओके? तो वो क्वार्ट्स मिनरल की मूवमेंट का मतलब, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस मिनरल को, ये एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होते हुए इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजने में कामयाब मिनरल है। इसलिए इसका इस्तेमाल रेडियोज़ में भी होता है, रडार में भी होता है, वॉचेस में भी होता है, और घड़ियों को तो इवन क्वार्ट्स कह दिया जाता है कि उसकी मूवमेंट घड़ी की क्वार्ट्स मूवमेंट है, ऑसिलेशन बेस्ड, ओके? ऑसिलेशन आप जानते ही हैं, बड़ी बड़ी घड़ियों में पहले घंटा लगा भी होता था, ठीक है ना? चलो, तो क्वार्ट्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका, इट इज़ अ हार्ड मिनरल, वर्चुअली इनसॉल्यूबल इन वाटर, इट इज़ वाइट और कलरलेस एंड यूज्ड इन, इट इज़ वाइट और कलरलेस एंड यूज्ड इन रेडियो एंड रडार, और मैंने बताया वॉचेज में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, और मैं सोच भी रहा हूँ कि हमने कल के लेक्चर में तो बताया दिखाया, वो कल की बात हो गई, आज हम अकेले मिनरल की बात कर रहे हैं, तो हमें आपको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, ऐसी भी क्या बात है, क्यों हम नहीं दिखा रहे, क्यों हम नहीं बता रहे, ये भी तो एक सोचने की बात है, मतलब है कि नहीं है करणदीप, सही बात है कि नहीं? सही बात है, बोला करणदीप ने, तो उस हिसाब से देखिए आपके सामने है, ये देखिए, तो दिस इज़ द फेल्डस्पार, सेलमन पिंक कलर में आपके सामने है, ओके? दिस इज़ फेल्डस्पार, मोस्ट एविडेंट मिनरल इन द अर्थ क्रस्ट, अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट, एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्लास मेकिंग एंड सिरामिक्स में, जब जैसे मैंने बताया आपके सिरामिक यूटेंसिल्स और सिरामिक टाइल्स में ये लस्टर देने का काम करता है, ये पेंट एंड प्लास्टिक्स मटेरियल्स में यूज़ होता है एज अ ग्लेस, शाइन देने का काम करता है, ओके? और इसके बिल्कुल उलट हमने जो देखा, और वो तो आपके सामने ही है, वो क्या है, ये रहा, हमने अभी बताया कि जो क्वार्ट्स है उसका रंग या तो वाइट होगा या ग्लास जैसा होगा, और यहाँ पर वो नज़र भी आ रहा है, और हमने ये बताया कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रेनाइट का, और वो हम बता भी सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट रॉक में क्वार्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, ओके? ग्रेनाइट में फेल्डस्पार होता है, क्वार्ट्स होता है, बायोटाइट होता है, माइका भी होता है, तो क्वार्ट्स की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका है, हमने कल भी दिखाया था, यहाँ पर भी आपके सामने ये ग्रेनाइट रॉक है और उसमें क्वार्ट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हमने बताया कि क्वार्ट्स क्रिस्टल्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वॉचेस में, और कैसे, कि वो वोल्टेज को यानी कि चार्ज को रिस्पॉन्स करते हुए एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी पे काम करना शुरू कर देते हैं, मतलब वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं, और इसकी मदद से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंसिस्टेंसी में जनरेट करते हैं और उसकी मदद ट्रांसमिट करते हैं, और उसकी मदद से फिर जो मूवमेंट है घड़ी की वो बनती है, इसलिए हम उन्हें क्वार्ट्स मूवमेंट बेस्ड घड़ियाँ कह देते हैं। और हमने देखा कि रेडियो रडार में इनका इस्तेमाल है, इंटरनेट पे जाएंगे तो हर मिनरल के 8-8, 10-10 इस्तेमाल बताए गए होंगे, पर हम जानते हैं कि सालों सदियों से NCERT बेस्ड क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, बहुत सारे यूजेज इकट्ठे करने से अच्छा
जो एक एक दो दो यूजेस किताब में लिखे हैं, हम उन्हीं को ही संभालें, उन्हीं को ही समझ लें, ताकि एग्ज़ाम में आए तो हम एटलीस्ट आंसर तो कर पाएँ। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना, फेल्डस्पार गोज़ टू द सेरामिक्स एंड ग्लास मेकिंग, लस्टर, ग्लेज, जितनी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं बता ही रहा हूँ। एंड द क्वार्ट्स गोज़ टू द रेडियो, रडार, वॉचेस। क्वार्ट्स बोले तो यहाँ पर सैंड, सैंड का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है और मैंने दिखाया ग्रेनाइट में भी है। फेल्डस्पार जहाँ पर सॉफ्ट है, वीक है, वहीं पर क्वार्ट्स बहुत ही हार्ड मिनरल है। हमने देखा बहुत ही रेयरली ये वर्चुअली इनसॉल्यूबल है वाटर में, और ये मेन कंपोनेंट है ग्रेनाइट का। ओके, और नेक्स्ट मिनरल इज़ द पायरोक्सिन। अब पायरोक्सिन में कैल्शियम हो, अब आगे यही से लिखा जाएगा किसमें क्या होगा, किसमें क्या नहीं होगा। पायरोक्सिन में कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका होते हैं। अर्थ क्रस्ट का 10% पायरोक्सिन से ही आता है और ये कॉमनली मिटेरॉइड्स में पाया जाता है। जो मिटेरॉइड्स आते हैं, जो मिटेओर्स अर्थ के एम्बिट में एंटर हो जाते हैं और हमें पृथ्वी पर मिलते हैं, तो पूछा जा सकता है कि कौन सा मिनरल कॉमनली मिटेरॉइड्स में पाया जाता है। पायरोक्सिन उनमें पाया जाता है। इज़ दैट क्लियर? चलिए, बस इसके बारे में इतना बहुत है। नेक्स्ट वन इज़ द एम्फीबॉल। एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम। तो आप देख सकते हैं जो मेजर एट एलिमेंट हैं, जो मेन एट एलिमेंट हैं इन शुरुआती सभी मिनरल्स में, वही एट एलिमेंट्स ही मेनली डोमिनेट कर रहे हैं, अलग अलग प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से एम्फीबॉल में एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम होता है। 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इसी से बनता है। ये ग्रीन या फिर ब्लैक कलर में होता है और ये एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज़ आपको पता ही है, जो यूज़ होती है आपकी शीट्स डलती हैं एस्बेस्टर्स की, तो एस्बेस्टोस बनती है, उसी से फिर वो बनती हैं घरों में, छतों, आंगन में, पहले उसी की शीट डला करती थी, उसमें एम्फीबॉल इस्तेमाल होता है। ओके, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ ये दोनों, आप पायरोक्सिन भी देख लीजिए और एम्फीबॉल भी देख लीजिए। बस एक सेकंड रुकिए, पायरोक्सिन कभी मत भूलना कि ये बहुत कॉमन होते हैं मीटेरॉइड्स में। तो ये देखिए, इज अ पायरोक्सिन, दे आर कॉमन इन मीटेरॉइड्स। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द एम्फीबॉल। रुकिए, अलग अलग तरह के होते हैं, हमने पढ़ा था ग्रीन एंड ब्लैक कलर दोनों होते हैं, तो दोनों दिखा देते हैं आपको। पहले आप ये देखिए, ये ग्रीन कलर का है। ओके, एम्फीबॉल। अब हम आपको ब्लैक कलर का दिखाते हैं। दिस वन इज़ द, दिस द ब्लैक कलर। ओके, तो ग्रीन एंड ब्लैक कलर दोनों में होते हैं, एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं, आपको दिखा देते हैं। आपने देखी भी होंगी, इनको हम कहते हैं, ये होती हैं एस्बेस्टोस शीट्स, है ना, छतों पे डाली जाती थी, आंगन में भी डाली जाती हैं, तो इनमें इस्तेमाल होता है एम्फीबॉल। एम्फीबॉल एस्बेस्टोस भी कह देते हैं कई बार। ओके, चलिए, तो दैट इज़ अबाउट। हॉर्नब्लेंड इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एम्फीबॉल। हॉर्नब्लेंड एम्फीबॉल की एक अनदर फॉर्म है। क्लियर? नेक्स्ट इज़ द माइका। कंप्राइजेज ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका। 4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट माइका से बनती है। ये आपको इग्नियस रॉक्स में कॉमनली मिलता है और मेटामॉर्फिक में, मतलब सेडिमेंट्री में इतनी कॉमनली मिलता नहीं है, इग्नियस में मिलेगा और मेटामॉर्फिक में मिलेगा। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होता है क्योंकि इसकी इंसुलेटिंग क्वालिटी बहुत मजबूत है, तो ये बतौर इंसुलेटर काम करता है। ओके, तो जहाँ पर भी आपको बतौर इंसुलेशन कोई मटेरियल की ज़रूरत है,
कोई इंसुलेशन शीट लगानी है आपको, कोई इंसुलेशन जैकेट बनानी है आपको, तो आप माइका का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर भी आप करंट से डील कर रहे हैं। यू वांट इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब जब आप चाह रहे हैं कि आपको करंट ना लगे, करंट ना फ्लो हो, तो आप यूज़ कर रहे हैं इंसुलेटर। जैसे कि आप यूज़ कर रहे हैं एक लोहे का या स्टील का प्लास है, लोहे का, उसके ऊपर आपने प्लास्टिक की जैकेट चढ़ा रखी है उसके हैंडल पे, वो जैकेट वहाँ पर वीक कंडक्टर है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करती, तो वो इंसुलेटर की तरह ही काम कर रही है। ओके, तो इस तरह से माइका एक बहुत ही बेहतरीन इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसका यूज़ होता है। माइका की एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी इसलिए भी ये यूज़ होता है, क्यों? आप इसकी मदद से छोटे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही थिन शीट्स में, बहुत ही महीन बारीक पतली शीट्स में कट जाने का रुतबा रखता है, मतलब बिल्कुल बारीक बारीक शीट्स में प्राप्त हो जाएगा। आप निकाल लो इसकी शीट्स तो शीट बाय शीट निकलता जाता है, परत बाय परत निकलता जाता है, ये इसकी बड़ी खासियत है माइका की। माइका वैसे भी बहुत इस्तेमाल होता है अलग अलग इंडस्ट्री में, जैसे कि माइका का बड़ा यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स में, माइका आई शेडोज़ में, मस्कारा में, इन सब चीज़ों में स्पार्कल का काम करता है, लिपस्टिक्स में स्पार्कल का काम करता है। और माइका क्योंकि छोटे छोटे प्लेटलेट सेल्स की तरह बन दिख जाता है, इसलिए चेहरे पे रिंकल वगैरह जहाँ हो तो वो क्रीम अप्लाई करो तो उन रिंकल्स को माइका भर देता है, छोटी छोटी प्लेटलेट्स फॉर्म में, तो रिंकल्स दिखने बंद, तुरंत आपने क्रीम लगाई जिसमें माइका है तो तुरंत आपकी झुर्रियाँ रिंकल्स सब दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन खड्डों को प्लेटलेट शेप्स में माइका भर देगा। इस तरह से माइका काम करता है। फिर घर जाके मुंह धोइए, माइका बाहर, झुर्रियाँ फिर उबर जाएंगी, जिंदगी चमाचम। तो माइका कॉस्मेटिक्स में लस्टर की तरह, ग्लिटर की तरह इस्तेमाल होता है, स्पार्कल्स की तरह इस्तेमाल होता है, और एजिंग, एंटी एजिंग जो होती हैं दिखाने वाली क्रीमें की, उम्र नहीं दिखेगी आपकी, वहाँ पे भी यूज़ होता है। इसकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, क्लियर? तो दैट इज़ द माइका। तो माइका कंप्राइजेज ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका। इट इज़ 4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स ड्यू टू इट्स क्वालिटी ऑफ बींग इंसुलेटिंग मटीरियल। दैट इज़ अ आस्पेक्ट। ओलिवाइन, ये मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका ही इसके मेजर एलिमेंट्स होते हैं। इट इज़ यूज इन ज्वेलरी। ओलिवाइन की जो चमक है, लस्टर है, वो इसको ज्वेलरी ऑर्नामेंट में जेम स्टोन की तरह इस्तेमाल होने में मदद करती है। ये ओलिवाइन की खासियत है। इट इज़ यूजुअली अ ग्रीनिश क्रिस्टल, ये एक ग्रीन कलर के क्रिस्टल की तरह होता है। ऑफन फाउंड इन बसाल्टिक रॉक्स, तो ये आपको अधिकतर बसाल्टिक रॉक्स में मिल जाएगा, एंड बसाल्टिक रॉक्स आर द इग्नियस रॉक्स। ओके, तो ये ऑफनली फाउंड होता है बसाल्टिक रॉक्स में। मैं आपको अब दोनों दिखा देता हूँ, माइका भी और वो भी, ओलिवाइन भी। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं भाई, मजाक कर। देखिए, माइका की खासियत होती है ऐसे पतली पतली परतों में निकल जाता है, परत नुमा आपको ऐसे देखने को मिल रहा है ना, तो ये माइका की खासियत होती है। माइका देखिए, समझ आ ही रहा होगा आई शेडो में क्यों यूज़ होता है, लिपस्टिक्स में भी यूज़ होता है एज अ स्पार्कल। ओके, तो माइका है, ये भी माइका है। हिंदी में कहते हैं अबरक, अबरक जड़ी बूटियों में, दवाइयों में बड़ा इस्तेमाल होता है, अबरक बहुत इस्तेमाल होता है। सीमित मात्रा में ये सारे जो मिनरल वगैरह रहते हैं ना, काफ़ी मिनरल जो है वो जड़ी बूटियों में, दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती हैं, आप कभी अच्छे पंसारी की दुकान पर जाना, अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना, उसके पास ग्लास जार्स में अलग अलग पाउडर लगे पड़े रहेंगे, उनमें चिट लगी रहेंगी इनके नाम की, हिंदी में नाम होगा और ऊपर इंग्लिश में भी होगा। तो माइका एक इम्पॉर्टेंट
इंग्रेडिएंट हैं जिससे दवाइयाँ बनती हैं, अदरक का इस्तेमाल होता है, क्योंकि असल में हम जो खा रहे हैं खाना पीना, उसमें उसके बाद भी तो हमारी बॉडी में मिनरल्स ही जा रहे हैं। हम जो पानी पी रहे हैं उसमें भी तो मिनरल्स ही हैं। कई महंगे महंगे वाटर प्योरीफायर आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि हम मिनरल्स को दोबारा पानी को, पानी से पहले प्योर इम्प्योरिटी निकालते समय निकलता है सब, फिर वो वापस से रिच करते हैं पानी को मिनरल से, तो वो कहते हैं ये मिनरल रिच पानी है, मीठा पानी है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे इन्हें अनजाना मत समझो, ये तुम्हारे अपने ही हैं, ये मिनरल्स इन्हीं में जी रहे हो तुम दिन रात, इनसे अलग तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है कोई। और ये देखो ऑलिव ऑयल क्यों ना इस्तेमाल करें इसे ज्वेलरी में, जेम स्टोन में, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, है ना, क्रिस्टल। तो आम आदमी क्या कहेगा कि पत्थर है, और कहते भी हैं स्टोन पत्थर स्टोन बोलते ही हैं, सब कुछ आसपास ही हो रहा है लेकिन पता नहीं है ज़िंदगी में क्या हो रहा है कि नहीं। सेवन अप की बोतल जैसा लग रहा है पूरा, जैसी वो चिल होने के बाद लगती, ऐसा बन जाता है, जेम्स की तरह ऐसे यूज़ होगा, इसको जेम में बदला हुआ देखो, शेप दी हुई है। तो इसलिए ज्वेलरी इंडस्ट्री में जेम स्टोन और कारीगरी में ये बड़ा इस्तेमाल होता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव कलर भी है ना, ऑलिव, ऑलिव नाम ऑलिव ऑयल। ओके, तो दैट इज़ द थिंग। सो मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका इसके मेजर एलिमेंट हैं। इट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी, इट इज़ यूजुअली अ ग्रीनिश क्रिस्टल, ऑफन फाउंड इन बेसाल्टिक रॉक। वो दिखाया था ना बेसाल्टिक रॉक में फंसा हुआ था, एक फ़ोटो में दिखाया था ना जिसमें निकल रहा था, तो बेसाल्टिक रॉक्स में ही ये ज़्यादातर पाया जाता है। तो बस सिंपल कहानी है भाई, सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल है फेल्डस्पर है, दूसरे नंबर का क्वार्ट्ज है। फेल्डस्पर नरम है, क्वार्ट्ज हार्ड होती है, इसी बंद करो। अच्छा, दूसरी बात, फेल्डस्पर किस इंडस्ट्री में यूजेज क्या है, मेनली किताब के हिसाब से क्या यूजेज है। सेरामिक ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होता है, लस्टर के लिए, ग्लेज के लिए, शाइन के लिए यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज का इस्तेमाल क्या है, रेडियो रडार में इस्तेमाल होता है, वॉचेस में इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसकी एक खास तरह की क्वालिटी है, वो हमने बता दी है। अच्छा, उसके बाद आया था पायरोक्सिन। पायरोक्सिन खास बात है, ये कॉमनली मिलता है मेटेराइट्स में, है ना, हमने देखा भी था कितना काले से रंग का था बिल्कुल। उसके बाद आ जाता है एम्फीबॉल। एम्फीबॉल की खासियत क्या बताई थी हमने, एम्फीबॉल को ही हम हॉर्नब्लेंड भी कह देते हैं, हाँ क्या बताई थी इसकी खासियत, एस्बेस्टोस शीट्स बनाने में काम आता है। और कुछ बताया था इसके बारे में एम्फीबॉल, इतना ही था मेन एम्फीबॉल के बारे में, हाँ मेन इसी के बारे में यही डिस्कस हुआ था। उसके बाद आ जाता है माइका। माइका की क्वालिटी है थिन शीट्स में बट जाने की, थिन शीट्स में निकल आता है, अबरक भी कह देते हैं हम इसको, और ये मेनली यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में। इसकी इंसुलेटिंग क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, और दूसरी बड़ी बात है कि फिर ये कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, हमने अभी चर्चा की है माइका के बारे में। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑलिव ऑयल, और वो हमने देखा है कि ज्वेलरी में बहुत यूज़ होता है, जेमस्टोन्स की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है, और ग्रीन क्रिस्टल की तरह होता है, ये ज़्यादातर बेसाल्टिक रॉक्स में हमें मिल जाता है। इसी तरह से माइका ज़्यादातर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमें ज़्यादा मिलता है। तो ये हमने मिनरल्स के बारे में देखा, मेटैलिक नॉन मेटैलिक देख लेते हैं एक बार। मिनरल्स को हम फर्दर स्टडी करते हैं दो डिविजन्स में, पहली होती है मेटैलिक मिनरल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटैलिक मिनरल्स। सबसे पहले हम मेटैलिक मिनरल्स के बारे में देखेंगे। मेटैलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी खास तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है। कोई बात नहीं, हम समझेंगे आगे जा करके इस चीज़ को, ठीक है। सो इट कंटेन्स मेटल कॉन्टेंट, मेटल्स के बारे में हम इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है वो भी समझेंगे कभी, ओके। तो मेटैलिक मिनरल्स में मेटल कॉन्टेंट होता है डेफिनेटली, तभी इसका नाम मेटैलिक मिनरल है। सब डिवाइड करते हैं हम इनको थ्री टाइप्स में, पहले प्रीशियस मेटल्स यानी कि प्रीशियस मेटल मिनरल्स, दूसरे फेरस मेटल्स, तीसरे नॉन फेरस मेटल्स। तो मेटैलिक मिनरल्स में पहली सब डिवीजन है प्रीशियस मेटल्स, वो होते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एटसेट्रा, ओके। इनसे हम डील करते ही रहते हैं।
दूसरे होते हैं फेरस मेटल, फेरस फेरस मने आयरन, तो ये वो मेटल्स होते हैं जिनमें डोमिनेट करता है आयरन, ओके, और इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब मैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है, ओके, चार्ज होता है, क्लियर। सो फेरस मेटल्स, सॉरी फेरस मेटल्स में आयरन एंड अदर मेटल्स ऑफन मिक्स्ड विद आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड ऑफ स्टील। तो फेरस मेटल्स में एक मेन आयरन होता है और कई और तरह के मेटल जो आयरन के साथ ही मिक्स हो जाते हैं और कई तरह की स्टील्स बनती हैं। जैसे आयरन के साथ मिक्स करेंगे कार्बन तो जो नॉर्मल स्टील होती है वो बनेगी, आयरन के साथ मिक्स करेंगे क्रोमियम तो स्टेनलेस स्टील बनती है, SS, ओके। तो फेरस मेटल्स में कौन आ जाएंगे, आयरन ओर जिससे आयरन मिलता है, मैंगनीज, निकल, क्रोमाइट, ये सारे फेरस मेटल्स में आते हैं, डोमिनेट करता है इन्हें आयरन और इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। दूसरे हैं नॉन फेरस मेटल्स, डेफिनेटली इनमें आयरन डोमिनेट नहीं करता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगी, तो दैट इज़ द कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, ये मेन नॉन फेरस मेटल्स हैं। तो तीन तरह के मेटेलिक मिनरल हैं मेनली कैटेगरी, प्रीशियस मेटल्स, फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल, और तीनों के अंदर हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। देखिए अब हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में देख लेते हैं। ये वो मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल कॉन्टेंट नहीं होता, जैसे सल्फ़र, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, इसके मुख्य उदाहरण हैं, ओके। सल्फ़र, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। सीमेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स का ही एक मिक्सचर सीमेंट भी है। अब हम मिनरल्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, चैप्टर में ये गिवन है, इनसे काफ़ी सारी चीज़ों में मदद मिलती है जब हम मिनरल से डील करते हैं। सबसे पहला आ जाता है द फर्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल, दैट इज़ एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। हालांकि इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं कि मिनरल्स क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें लिखा है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म डिटर्मिंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्या क्या हो सकते हैं क्रिस्टल फॉर्म्स, किस तरह का एटम्स या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट हो सकता है, क्यूब्स की फॉर्म में, ऑक्टाहेड्रॉन्स की फॉर्म में, हेक्सागनल प्रिज्म की फॉर्म में, एटसेट्रा। और ये हमने लेक्चर में शुरुआती भाग में आपको समझाया है और जो मिनरल्स एंड रॉक्स का हमारा पहला लेक्चर था उस पर भी जिक्र हुआ इसका। तो लेकिन मैं आपको ये एक बार दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखें, ये शेप्स बन जाती हैं और ये डिपेंड करता है क्रिस्टल लैटिस सिस्टम पे, यानी कि किस तरह से एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स यानी कि पार्टिकल्स ने एक अरेंजमेंट बनाया, उसी पे डिपेंड करता है स्ट्रक्चर, ओके। और स्ट्रक्चर अगर इस तरह का है कि एजेस शार्प बन रही हैं तो हम उसे क्रिस्टल फॉर्म कहते हैं। और ये रही वो, तो देखिए मिनरल्स आपको क्रिस्टल फॉर्म में कुछ इस तरह से मिलते हैं, ऑक्टाहेड्रन शेप में मिलेगा, हेक्सागनल पिरामिड शेप में भी मिलेगा, हेक्सागनल प्रिज्म शेप में भी मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड्स है ना, हेक्सा एजेस देखिए 6 एजेस बन रही हैं, तो हेक्सागनल प्रिज्म, हेक्सागनल पिरामिड इसकी भी 1, 2, 3, 4 और 2 उस तरफ होंगी 6, ये ऑक्टाहेड्रन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 उस तरफ 7, 8 ऑक्टावर्ड आ गया, ये कंबाइंड फॉर्म है, ये देखिए सिंपल है क्यूब। तो इस तरह से अलग अलग शेप आती है, क्रिस्टल की फॉर्म आती है, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जिसके मुताबिक स्ट्रक्चर बनता है। और ये हमने पढ़ा है, हमने आपको इमेजेस भी दिखा दी हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज़ द क्लीवेज, क्लीवेज